जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया हूं लेकर आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का एक और मैच। आज का मैच किसके पीछे? आज का मैच है भारत, हमारी टीम और होस्ट न्यूजीलैंड के बीच। मैच कहाँ है? मैच है हैमिल्टन में। हैमिल्टन में ड्यूनेडिन और आपका तरुंगा की कंपैरिजन में पिच थोड़ी अलग है। हालांकि एक ही मैच हुआ है वर्ल्ड कप में वहां पे अभी तक, लेकिन क्या है इस पिच का मिजाज? क्या भारत की टीम खेलेगी? उसके अलावा न्यूजीलैंड का क्या कॉम्बिनेशन खेलने वाला है? क्या अहम हो सकते हैं खिलाड़ी दोनों टीमों के लिए? और क्या एवरेज स्कोर रह सकता है? क्या फैंटेसी टीम बनेगी? कैसे हमारा पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस दिल थाम के बैठे रहना है और वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल @MohitCricketologist सर्च करके, क्रिकेटोलॉजी के नाम से जो चैनल आएगा उसको सर्च करके आप कर लीजिएगा ज्वाइन। बेस्ट तरीका यह है कि इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है उसमें मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फेक चैनल्स बहुत सारे बन गए इसलिए लिंक से ज्वाइन करना बेस्ट तरीका है। अब इस मैच की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया हैमिल्टन में मैच है, तोरंगा में। तोरंगा मतलब जो माउंट माउंटून गुड़ाई जो जो भी है, वो मुझसे लेना नहीं आता, बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहां पे लगातार हमने देख रहे हैं 15 से ज्यादा विकेट गिर रहे हैं। ड्यूनेडिन की हालत और खराब है, वहां 18 से 20 विकेट गिर रहे हैं। हैमिल्टन में कम गिर रहे हैं। एक मैच हुआ है और उसमें कमाल की बात यह कि 300 प्लस का स्कोर हुआ दोनों टीमों की तरफ से लगभग, क्योंकि इंग्लैंड ने भी 298 कर दिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 310। मतलब दोनों टीमों को अगर लगाओ तो दोनों पारियों में 300 प्लस का स्कोर हुआ, जो कि बड़ा स्कोर था। वुमेन क्रिकेट में अगर 300 प्लस का स्कोर जा रहा है तो आप उसको ऐसे समझ रहे कि मेंस क्रिकेट में कहीं 400 के समथिंग, 380 के समथिंग का स्कोर हो रहा है। और विकेट्स कितने गिरे? ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 गंवाए और इंग्लैंड के गिरे 8। और 8 भी कब गिरे? जब वो चेज रन रेट का प्रेशर था तब, मतलब इन हारी जब हॉपलेस हो जाते हैं। पिच में ऐसा कुछ नहीं था कि जहां से विकेट गिरते, ये नोट करने वाली बात है। तो इसलिए इस पिच को औरों की कंपैरिजन में ना जाए, बैटिंग फ्रेंडली वो हैमिल्टन की पिच है, रन बरसेंगे। और आउटफील्ड बहुत तेज है, ऐसा नहीं है जैसा हमने बाकी दो ग्राउंड्स पे देखा कि बॉल बाउंड्री तक पहुंचने में टाइम लेती है। बल्कि ड्यूनेडिन की बात करूं तो वहां पे 225 210 वो वहां पे डिफेंड हो रहे हैं इजीली। तोरंगा की बात करूं तो वहां पे 240 का स्कोर सेफ साबित हो रहा है। लेकिन अगर मैं हैमिल्टन की बात करूं तो 310 भी थ्रेट में था कि चेज हो सकता है, अगर नेट्स स्काइवर आउट नहीं होती तो पक्का वो चेज हो जाता। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि वहां बैटिंग फ्रेंडली। अब देखिए, अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक आ जाता तो फिर बैटिंग का कंपैरिजन कर लेते हैं। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर क्या है? न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर है सोफी डिवाइन ओपनिंग, उनके साथ ओपनिंग सूजी बेट्स, 3 नंबर अमाइला कैर, 4 अमेलिया कैर और 4 नंबर एमी सेथरवेट। मतलब चारों जो टॉप फोर है वो बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया है। इसके आगे जो है वहां थोड़ा खालीपन है। इंडिया गेट बैटिंग के ऑर्डर की बात करूं तो स्मृति मंदाना के साथ सैफाली वर्मा, मतलब अटैकिंग है बैटिंग ऑर्डर। अगर सैफाली 10 ओवर भी टिक गई तो गेम अपना इंडिया की तरफ बहुत काफी हद तक सेट कर जाएंगी। और स्मृति मंदाना आपको पता है कि कैसी एवर रिलायबल प्लेयर है, लेकिन सैफाली की फॉर्म वहां कंसर्न है। न्यूजीलैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टॉप फोर फॉर्म में है। 3 नंबर भारत के लिए खेल रही दीप्ति शर्मा फॉर्म में है। 4 नंबर मिताली राज फॉर्म में है। फिर हरमनप्रीत का स्ट्रगल है थोड़ा सा, और उससे आगे ऋचा घोष और स्नेह राणा। मतलब अगर पिछला मैच की कंपैरिजन ना भी करें तो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर की जो लंबाई है वो न्यूजीलैंड से ज्यादा है और इंडिया की भी फॉर्म ठीक है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में न्यूजीलैंड की बॉलिंग अभी तक, एक मैच सैथरवेट ने बढ़िया बॉलिंग करी है, पहला मैच न्यूजीलैंड हारे वेस्ट इंडीज से, मतलब कहीं ना कहीं वहां कंसर्न थोड़ा सा है। और इंडिया की जो बॉलिंग है, बॉलिंग यूनिट के दम पर पिछला मैच जीता, मतलब इंडिया की बॉलिंग यूनिट थोड़ी सी बेटर है। तो अब उस दिन पे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हुआ तो न्यूजीलैंड थोड़ा एज ले जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस मैच का जो मैच विनर है वो इंडिया को रहना चाहिए। तो आपको जो मैच विनर पे इन्वेस्ट करना है वो इंडिया पे करना है, लेकिन कम इन्वेस्ट करना। कहाँ करना है इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पर पहुंचिए, वहां पे प्रॉफिट प्लान 2022 के नाम से एक मैसेज दिया है, उस मैसेज को पढ़ें, समझें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आ जाएंगी। इतना सा काम आपको करना है, जो जो टिप्स वहां पे दिए हैं उनको फॉलो करना है ब्लाइंडली, आप 10 मैच के अंदर अंदर प्रॉफिट में आने लगेंगे। चलिए
अब बात करते हैं इस मैच की फैंटेसी टीम की क्या हो सकती है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं और डिस्कस करेंगे किस खिलाड़ी को क्यों लिया गया। तो एक विकेट कीपर केवल कैटी मार्टिन, रिचा घोष दो ऑप्शन थे, मैं रिचा घोष के साथ जा रहा हूं। क्यों? दो कारण है। पहली बात, कैटी मार्टिन से ज्यादा अटैकिंग है रिचा घोष, मतलब कम टाइम में भी ज्यादा रन दे सकती है, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, विकेट कीपिंग में भी स्किल वाइज कैटी मार्टिन से रिचा घोष कमतर नहीं है, इवन बेटर ही है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार उन्होंने शिकार किया, स्टंपिंग की, कैच किया, रनआउट किया, तो रिचा घोष का हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, इसलिए कैटी मार्टिन से कहीं ना कहीं आगे हैं। चार बैटिंग ऑप्शन लेके जा रहा हूं, बैटिंग हैवी ट्रैक को ध्यान में रखते हुए, एमी सैथरवेट और सूजी वेट। सैथरवेट से आपको थोड़ी बॉलिंग भी मिल जाती है। तीन और स्मृति मंदना और मिताली राज, मतलब इंडिया का भी यहां मैंने टॉप ऑर्डर सेट कर दिया एक तरीके से। तीन लेके जा रहा हूं मैं आपका ऑलराउंडर ऑप्शन, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और दीप्ति शर्मा। सोफी डिवाइन ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रही है, अमेलिया केर पूरे 10 ओवर डाल रही है इसलिए कैप्टन, प्लस 3 नंबर बैटिंग कर रही है। सेम दीप्ति शर्मा के साथ है कि दीप्ति शर्मा भी 10 ओवर बॉलिंग कर रही है और 3 नंबर बैटिंग कर रही है, लेकिन अमेलिया केर थोड़ा सा ज्यादा अटैकिंग है दीप्ति के कंपैरिजन में बैटिंग में, इसलिए मैं अमेलिया केर के साथ जा रहा हूं एज ए कैप्टन, दीप्ति के साथ जा रहा हूं वाइस कैप्टन। आज आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इक्वल स्केल है दोनों का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने में। तीन बॉलिंग ऑप्शन, जयस केर, राजेश्वरी गायकवाड़ और पूजा वस्त्रकर। अब देखो एक बात समझो, पहली बात, पूजा वस्त्रकर ने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन खबरें ये हैं कि शी इज फिट, पूरी तरह फिट है तो इनको रखना है। अगर ये फिट नहीं होती हैं किसी भी वजह से, तो हमें इनकी जगह लेना है झूलन गोस्वामी को, एक बात। चलिए ठीक है, स्मॉल लीग टीम आपकी सेट होगी। बात करते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से, इसमें क्या कंपैरिजन, क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस की बात ऐसी है, मिताली राज और स्मृति मंदना में से किसी एक को ड्रॉप करके आप स्नेह राणा को ले सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, हरमनप्रीत कौर की तरफ भी देख सकते हैं अगर आप हाई रिस्क जाना चाहते हैं तो। जयस केर की जगह हिली जेंसन ले सकते हैं, बाकी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। एमी सैथरवेट एक बढ़िया कैप्टनसी चॉइस बन सकती है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग भी करी थी और 3 विकेट लिए थे, वो अक्सर बीच बीच में ऐसा करती रहती है, और बैटिंग में नंबर 4 है तो काफी फायदेमंद टीम के लिए रहेंगी। इनके अलावा सोफी डिवाइन बढ़िया कैप्टन साबित हो सकती है, तो सैथरवेट, सोफी डिवाइन, स्मृति मंदना और राजेश्वरी गायकवाड़, ये 4 ऑप्शन और हैं जिनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टनसी और वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। टीम समझ में आ गई। बात करते हैं अब दूसरी तरफ कि इससे थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमाया जाए। तो तरीका यह है कि ग्रैंड लीग आप खेलिए ड्रीम इलेवन जैसी, अब पे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैंड लीग के लिए ड्रीम इलेवन से बढ़िया ऐप नहीं बनी है, ये मैं भी मानता हूं। बात करते हैं दूसरी तरफ, स्मॉल लीग हेड टू हेड कहां खेला जाए। स्मॉल लीग का मतलब 2 मेंबर से लेकर 25 मेंबर तक की लीग कहां खेली जाए जहां ज्यादा प्रॉफिट आता है। तो खेलिए विजन 11 पर। विजन 11 का लिंक, जहां टेलीग्राम का लिंक दिया इसी वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में, वहां दे रखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार गूगल से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मेरा रेफरल कोड एमएस राघव लगा देना। फायदे बता देता हूं क्यों। पहली बात, प्लेयर्स की क्रेडिट वैल्यू कम है, उसका सीधा असर ये होता है प्लेयर्स की क्रेडिट वैल्यू कम होने का कि जो टीम आपको एक्चुअल में चाहिए होती है वो बन जाती है। दूसरा फायदा कि यूजर कंपटीशन कम है, मतलब एक्चुअल में जो प्रॉफिट आता है वो कम यूजर कंपटीशन से ही आता है, वहां कम है तो एक एवरेज टीम भी आपकी विनिंग की तरफ आपको ले जाती है, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी छोड़ देती है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट यहां ज्यादा होता है। तीसरी बात, एंट्री कम है, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट बचता भी है, प्रॉफिट बढ़ता भी है। तो 3-4 फायदे हैं इस ऐप के, इन फायदों का फायदा उठाएं और अभी जुड़ जाएं विजन 11 पर। बाकी जो आपको समझाया, आपकी उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कोई इस बात समझ में नहीं आई है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, तुरंत बताइए कमेंट में, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल भी, हमारी आपकी मुलाकात हर दिन होती रहेगी। फिलहाल इजाजत दे दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता दी।